ये मामला गोवर्धन चौराहे के ग्लोबल हॉस्पिटल का है। यहाँ कर्मचारी वेतन के लिए दर दर भटक रहे हैं और हॉस्पिटल के मालिक नरेंद्र पाठक उनकी सैलरी नहीं दे पा रहे। इन्हीं में से एक हैं कुसुम वर्मा और उनके तकरीब 8 से 10 सहयोगी जो इसी हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं। उनको करीब 8 महीने से सैलरी नहीं दी गई। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहां सैलरी के लिए उनके कर्मचारी भटकते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें ये कि नरेंद्र पाठक इस हॉस्पिटल का फिलहाल संचालन कर रहे हैं और विवेक चौधरी के हाथों ये हॉस्पिटल नरेंद्र पाठक को बेच दिया गया है। लेकिन अब हॉस्पिटल के कर्मचारी जब सैलरी मांगने आते हैं तो उनको ठेंगा दिखा दिया जाता है। कुसुम वर्मा, क्या परेशानी है, ग्लोबल हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए आप? सर, हमें 6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है और रोजीना बहकाया जा रहा है कि आज मिलेगी और कल मिलेगी, और ये ऐसे ही कर रहे हैं कई महीने से और हम बहुत परेशान हैं। कितना स्टाफ और है जिनको सैलरी नहीं दी गई है? 10-15 स्टाफ हैं, मगर वो सामने कोई आना नहीं चाहता, कोई बुरा नहीं बनना चाहता, सैलरी पर सबको चाहिए दिलाए जाए और मुझे कोई लड़ाई नहीं करनी ना कोई कार्रवाई करनी है। किसका हॉस्पिटल है, किसके नाम पर है? ये नरेंद्र पाठक का हॉस्पिटल था पहले और इसमें विवेक चौधरी इसमें शामिल थे, मगर उन्होंने अब ले लिया है, चौधरी साहब ने, विवेक चौधरी ने अब ले लिया है। विवेक चौधरी डॉक्टर है, कौन है? कोई नहीं है, वैसे ही है, हॉस्पिटल के ओनर है बस एक। डॉक्टर कौन कौन है? डॉक्टर कोई नहीं है, बुलाया जाता है जब कोई काम होता है तो। यानी कि बिना डॉक्टरों के? हाँ, बिना डॉक्टरों के हॉस्पिटल चल रहा है, ना कोई डॉक्टर है ना कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे।